बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम प्रॉडक्ट डिजाइन के हेड ऑन एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसकी इंस्ट्रक्शन और लर्निंग आउटकम वगैरह आप लोगों ने पढ़ लेगी। इंस्ट्रक्शन में एक बात क्लियर है कि आपने ये हेड ऑन एक्सरसाइज जो है वो कॉपी फोटोशॉप में प्रिपेयर करनी है और सॉल्व करनी है। उसके बाद इसको जो प्रिपेयर करना है वो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर करके उसको एलएमएस में सबमिट करवाना है। इसके लिए मैंने एक वर्ड फाइल ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख चुका हूँ यहाँ पे, जहाँ से जो कि मैंने इसकी हेडिंग्स के बाद मैंने इसको इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहां से कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद नीचे हेडिंग्स दे दिए, जो जो के स्क्रीनशॉट हमें इसमें रिक्वायर्ड है उनकी हेडिंग्स मैंने दे दिए। तो चले अब क्या करते हैं कि हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना सीखते हैं। अब चूंकि हमने ये एक्सरसाइज फोटोशॉप में बनानी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली फोटोशॉप ओपन करने के बाद मैंने सिंपली यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हुए एक न्यू डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया। अब इसकी रेजोल्यूशन आपने क्या करनी है, इसकी इसकी विड्थ और हाइट आप लोगों ने 1200x1200 यानी विड्थ और हाइट दोनों 1200 रखनी है। उसके बाद इसकी जो रेजोल्यूशन है वो आपने 72 रखनी है। ये सारी रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज फाइल है उसमें बताई हुई है, उसी से मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट किया है। और उसके बाद आप लोगों ने क्रिएट पे क्लिक करते हुए अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है। अच्छा जी, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मेरी उन सभी दोस्तों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चूंकि मैं इस पे डीजी स्किल से रिलेटेड तमाम तरह वीडियोस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तमाम तरह वीडियोस मैं इस पे अपलोड करता रहता हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चले हम अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि हमने एक फेसबुक पोस्ट बनानी है जिसकी डायमेंशन हम लोग सिलेक्ट करके अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर चुके हैं, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आप लोग अगर यहाँ पे मतलब बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल इस पोस्ट का जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ यही रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताता चलूँ कि आप लोग इसमें इमेजेस जो यूज करना चाहते हैं वो आप लोग गूगल से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है कि व्हाइल डिजाइनिंग द पोस्ट प्लीज कीप इन माइंड दैट पोस्ट शुड बी कन्वे योर मैसेज प्रॉपरली, अट्रैक्ट व्यूअर्स अटेंशन एंड रिस्पेक्ट रिप्रेजेंट प्रॉपरली, ठीक है। और ये जो आप लोगों ने इसमें जो पिक्चर यूज करनी है वो आप लोग गूगल से यूज कर सकते हैं, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट में सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन टेक इमेजेस फ्रॉम द इंटरनेट और कैन डू फोटोग्राफी इफ नीडेड, ठीक है जी। अब हम इसमें इमेजेस भी यूज करेंगे और अगर हमें रिक्वायर्ड हुई तो हम अपनी इमेजेस भी बना लेंगे जो कि हम Adobe Illustrator में बना सकते हैं। अब यहाँ पे फोटोशॉप में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे ये शेप टूल है हमारे पास, मैं अगर आपको जूम करके दिखा सकूँ तो ये हमारे पास शेप टूल है। शेप टूल में आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली एक सर्कल लेना है। सर्कल लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रैग करके यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, और फिर आप लोगों ने मूव टूल में जाते हुए इसको आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जी यहाँ से बैकग्राउंड लेयर को आप लोगों ने लेयर जीरो कर देना है या इसको एडिटेबल बना लेना है। याद रखिएगा कि सर्कल आप लोगों ने एक न्यू लेयर में, यहाँ पे ये देखिए मैंने ये सर्कल एक न्यू लेयर में बनाया, आप लोगों ने भी ये सर्कल एक न्यू लेयर में बनाना है, और फिर आप लोगों ने मूव और ट्रांसफॉर्म को यूज करते हुए इस सर्कल को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, और फिर आप अपनी मर्जी से इसमें यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसमें कलर दे सकते हैं। तो मैं इसमें ब्लू कलर देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको ब्लू में सिलेक्ट करते हुए इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं अल्ट प्लस बैक स्पेस करूंगा तो ये मेरे पास जो ये टॉप वाला कलर है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने एक ये शेप बना के उसमें कलर फिल कर देना है। ये एडजस्टमेंट करने के बाद मेरे पास एक COVID-19 का ये लोगो बना हुआ है जो कि मैंने इलस्ट्रेटर में बनाया हुआ है। आप लोग इस तरीके से अपना एक लोगो बना सकते हैं या फिर आप लोग जो है वो गूगल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल से भी बहुत सी साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे फ्री में आप लोगों को लोगोस वगैरह मिलते हैं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लें। मैं उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। जैसे ही आप कंट्रोल वी करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसको एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने सिंपली इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, और ट्रांसफॉर्म को यूज करते हुए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, आप लोग अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से COVID-19 का ये लोगो मैंने यहाँ पे जो है वो एडजस्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम अपनी इस पोस्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। अब मैं चूंकि मास्क से रिलेटेड और COVID-19 से रिलेटेड एक पोस्ट बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऑलरेडी गूगल से ये एक मास्क का बॉक्स जो है और साथ में मास्क है उसकी इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है। आप लोगों ने भी इस तरह से एक इमेज डाउनलोड करके अपने पास रख लेना अगर आप मेरे से रिलेटेड पोस्ट बनाना चाहते हैं। अदरवाइज आप लोग जिस ब्रांड से रिलेटेड पोस्ट बनाना चाहते हैं आप उससे रिलेटेड अपनी इमेजेस गूगल से डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो मैं सिंपली ड्रैग करके उस इमेज को यहाँ पे ले आता हूँ। तो आप लोगों ने भी इस तरह अपने ब्रांड से रिलेटेड इमेज को ड्रैग करते हुए यहाँ पे ले आना है।
उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस इमेज को ट्रांसफॉर्म करते हुए आप लोगों ने इसको भी अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेना है। मैं इस इमेज को इसका साइज यहाँ पे कुछ इतना सा रखना चाहता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना चाहिए, अपनी इमेज को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब हम लोगों ने इसमें इस जो पोस्ट हम बनाना चाहते हैं इसमें इससे रिलेटेड कुछ लिखना है, ताकि हमारा जो बायर है वो इस पोस्ट से अट्रैक्ट होके अपने इमेज, जैसा कि उसने हमें इसमें बताया हुआ है कि आप लोगों ने अपना मैसेज प्रॉपरली कन्वे करना है, और ताकि व्यूअर जो है वो अटेंशन एंड रिप्रेजेंट योर ब्रांड प्रॉपर। यहाँ पे वो हमें क्लियरली बता रहा है कि व्हाइल डिजाइनिंग द पोस्ट प्लीज कीप इन माइंड दैट पोस्ट शुड बी कन्वे योर मैसेज, अपना मैसेज प्रॉपरली कन्वे करे और अट्रैक्ट करे व्यूअर्स को। ठीक है जी, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी जिससे हमारा जो मैसेज है वो प्रॉपरली कन्वे हो और हमारा व्यूअर जो है वो इस पोस्ट से अट्रैक्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे साथ में कुछ इसकी डिटेल्स वगैरह दे देते हैं, और साथ में यहाँ पे नीचे अपना कोई कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं जिसके थ्रू वो व्यूअर्स जो है या बायर्स जो है वो हमसे इसको खरीदने के लिए वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ से टेक्स्ट टूल लेता हूँ। टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं इसको हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लेते हुए यहाँ पे आगे सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसमें इसी से अपनी ब्रांड से रिलेटेड आप लोगों ने यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसा कि मैंने अपने ब्रांड से रिलेटेड लिख लिया है जी की थ्री प्ले सर्जिकल फेस मास्क। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा वो करता हूँ, ट्रांसफॉर्म टूल को यूज करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसका साइज, ताकि हम दिखने वाले को क्लियरली देख सके। इस तरीके से आप लोगों ने भी अपने ब्रांड से रिलेटेड यहाँ पे मैसेज टाइप करके उसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी कि मैं यहाँ से अगेन शेप टूल ले लेता हूँ। शेप टूल में जाने के बाद मैं अगेन सर्कल लेता हूँ। सर्कल लेने के बाद मैं यहाँ से ये कुछ इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें रेड कलर दे देता हूँ जी। आप लोग अपनी मर्जी से कोई कलर दे सकते हैं, या फिर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आई ड्रॉपर इसको आई ड्रॉपर को यहाँ से लेना है। आई ड्रॉपर को लेने के बाद ये जो कोविड के साइन में मैंने ये कलर बनाया हुआ है ये मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, और फिर अल्ट बैक स्पेस से मैं इस कलर को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। आप लोगों ने भी ये कलर या इस तरीके से कोई शेप्स यहाँ पे बना देनी है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जी इस शेप में मैं इसकी प्रोटेक्शन, इससे रिलेटेड जो हमारी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन वगैरह लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने सिंपली ये चीज बनाई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर सिंपली प्रोटेक्शन लिख लेता हूँ, जिसके लिए मैं अगेन टाइप टूल की हेल्प लूंगा और यहाँ पे आके क्लिक करूंगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट लिख दी है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो शेप है इसका कलर चेंज हो जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस वाली लेयर को, और यहाँ से मैं इसमें रेड कलर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको रेड कलर सेलेक्ट करते हुए इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं अल्ट बैक स्पेस से ये वाला कलर मेरा यहाँ पे रेड वो जो है वो फिल हो चुका है, क्योंकि रेड में ये व्हाइट जो है वो रेड और व्हाइट का कंट्रास्ट क्लियरली दिखाई देता है, तो मैं इसलिए इसको सिंपली ये सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे नीचे इसकी चंद एक प्रोटेक्शन वगैरह लिख देता हूँ इसकी, कि किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करता है आपको। तो उसके लिए मैं अगेन जो है वो टाइप टूल लेके यहाँ पे वो करता हूँ, और फिर अपने यहाँ पे प्रोटेक्शन वन बाय वन टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इन जो मेरा ब्रांड है मास्क का उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रोटेक्शन लिखी है, जो कि मैंने कहा कि ये प्रोटेक्ट करता है कोविड से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डस्ट से और पोलन वगैरह से, और ये चीजें जो जो भी मैंने यहाँ पे लिखी है ये मैंने इससे रिलेटेड लिखी है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने ब्रांड से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिख देनी है। अब इसके बाद हम नीचे अपनी पैकेजेस की बात करते हैं कि हम लोग कितने का पैकेज देते हैं और पीसेस कितने होते हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पे चंद इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमारे पास जगह है वहां पे ये लिख देते हैं। अब चूंकि मैं अपने पैकेज को भी हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, सिंपली ये जो शेप मैंने बनाई थी उसको कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट करने के बाद मैंने इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगेन टाइप टूल लेता हूँ। टाइप टूल लेने के बाद यहाँ पे आके मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास चूंकि लिखा हुआ है प्रोटेक्शन से रिलेटेड, मैंने सिंपली उसको वहां से कॉपी किया और यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली जो है वो मूव टूल लेता हूँ। मूव टूल लेने के बाद मैं इसको यहाँ से इसके सेंटर में आके मूव करके इसको सेंटर में रख देता हूँ, और फिर कंट्रोल टी करते हुए ट्रांसफॉर्म करके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ताकि देखने वाले को क्लियरली दिखाई दे कि ये जो पैकेज है जी वो कितने पीसेस का पैकेज है जी, ये 50 पीसेस का पैक है। तो इस तरीके से हम अपनी ब्रांड से रिलेटेड यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे एक स्पेशल पैकेज दे देते हैं, जिसके लिए मैं अगेन यहाँ पे टाइप टू लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल नहीं करते मैं स्पेशल का वर्ड लिख देता हूँ, और फिर इसको भी ट्रांसफॉर्म करते हुए अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंगली मैं इसको भी ट्रांसफॉर्म करते हुए एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने भी इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, और नीचे अपना जो स्पेशल पैकेज मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ वो नीचे मैं सिंपली लिख देता हूँ। तो आप लोगों ने भी इस तरीके से अपने ब्रांड से रिलेटेड पैकेज भी दे देना है। इस तरीके से मैंने अपना नीचे स्पेशल पैकेज जो है वो क्या है कि वो मेरा है जी 30% डिस्काउंटेड प्राइस अबाउट 100 पीसेस। जब आप 100 पीसेस से ज्यादा परचेज करेंगे तो वो आपको क्या करेंगे जी 30% डिस्काउंट देंगे।
इस तरीके से आप लोगों ने इससे रिलेटेड जो है वो इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे आप लोगों ने लिख देनी है। अब रहता क्या है कि हमारे पास ये वाली जो है वो जगह रहती है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना कॉन्टेक्ट या ई मेल एड्रेस वगैरह दे देता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से अपना कॉन्टेक्ट या ई मेल एड्रेस वगैरह यहाँ पे दे देना है। और ये कॉन्टेक्ट और ई मेल एड्रेस जरूरी नहीं है कि आप अपना रियल कॉन्टेक्ट या ई मेल एड्रेस यहाँ पे दे दें, आप कोई सा भी फेक ई मेल एड्रेस या कॉन्टेक्ट नंबर यूज कर सकते हैं। अपना डिटेल कॉन्टेक्ट नंबर और डिटेल देने के लिए मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लीजिए फॉर ऑर्डर एंड डिटेल कॉल अस, ठीक है। नीचे मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ। तो कॉन्टेक्ट नंबर देने से पहले मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है जी, ये मैंने व्हाट्सएप का एक इमेज बनाया हुआ है, व्हाट्सएप का जो लोगो होता है सिंपल होता है उसका, और वो मैं क्या करता हूँ ये इमेज मैंने सिंपली उसमें बनाया है अपने यहाँ पे स्टेटस में। आप लोग भी इसको यहाँ पे बना सकते हैं। बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे लेके आने के बाद आप लोग इसको भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप लोग, क्योंकि हम सब जो है वो लर्नर है और खुद लर्निंग करना चाहते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि खुद ही इमेजेस भी बनाने की कोशिश करें ताकि हमारी इलस्ट्रेटर की भी प्रैक्टिस हो जाए। नहीं तो आप लोगों को गूगल से भी सारा का सारा मटेरियल, ये सारा का सारा जो है वो मिल सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ कि जी अपना कॉन्टेक्ट नंबर टाइप कर देता हूँ। जिस तरीके मैं अगेन टाइप कर लेता हूँ, टाइप कर लेने के बाद मैं यहाँ पे आके अपना कॉन्टेक्ट नंबर टाइप कर देता हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर टाइप करने के बाद जी आप लोगों ने उसको किस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जी आप लोग अगर अपना ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे नीचे दे सकते हैं। मैं चूंकि डेमो के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना ईमेल या और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। वैसे मतलब ये था कि हमारा जो है वो एक फेसबुक टेस्ट, फेसबुक पोस्ट जो है वो डिजाइन करनी थी, जो कि हमने आसानी के साथ एक सिंपल सी और इजी सी फेसबुक पोस्ट डिजाइन कर चुके हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने क्या करना है, इसके स्क्रीन शॉट कौन कौन से प्रोवाइड करने हैं, और कौन कौन से स्क्रीन शॉट प्रोवाइड करने हैं वो ऑलरेडी उसने मैंशन कर दी है, जो कि मैंने यहाँ पे वर्ड फाइल में लिख दिए हैं। पहला स्क्रीनशॉट आपने कौन सा करना है कि 1200 क्रॉस 1200 रेजोल्यूशन की जो पोस्ट आपने बनाई है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, उसके लिए मैं स्निपिंग टूल यूज करता हूं। तो आप लोगों ने भी स्निपिंग टूल को, या जैसे आप चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्निपिंग टूल से कैसे स्क्रीनशॉट लेना है उसके लिए भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा स्निपिंग टूल आ गया। यहाँ पे मैं न्यू करते हुए सिंपली क्या करता हूँ, ये वाला इसका जो पोर्शन है वो सिलेक्ट करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको कंट्रोल सी करते हुए कॉपी करता हूँ, अपनी वर्ड फाइल में चला जाता हूँ, और यहाँ पे आके मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे कंट्रोल भी करते हुए पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप लोग भी देखते हैं इसको एडजस्ट कर लेना अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक। तो इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब सेकंड जो है वो इसी जो है उसका लेयर पैनल का हमने स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम अगेन अपने फोटोशॉप में जाते हैं और यहाँ पे आपके पास लेयर पैनल आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पूरे का पूरा लेयर पैनल दिखाई नहीं देता, तो आप लोगों ने सिंपली ये लेयर वाली जगह पे आते हुए इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे ले आने के बाद आप लोगों ने सिंपली इसको छोड़ देना, तो आपके पास पूरे का पूरा लेयर पैनल जो है वो आ जाएगा। अब आप लोगों ने अगेन स्निपिंग टूल को यूज करते हुए इस लेयर पैनल वाले पोर्शन का जो है वो सिलेक्ट करते हुए आप लोगों ने इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मैं इसको भी अगेन स्क्रीनशॉट लेने के बाद कंट्रोल सी करता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद अपनी वर्ल्ड फाइल में जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको भी कंट्रोल डी कर देता हूँ, और फिर आप लोग इसको भी एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारे दो स्क्रीनशॉट जो है वो हो चुके हैं। अब हमने सेकंड जो थर्ड नंबर स्क्रीनशॉट ले लेना है वो क्या करना है, इसकी रेजोल्यूशन चेंज करके फिर हम लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका भी जो स्क्रीनशॉट ऑफ द पोस्ट का भी और फिर उसके लेयर पैनल का भी। तो मैं अगेन फोटोशॉप में जाता हूँ। फोटोशॉप में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे इमेज की ऑप्शन आ रही होती है, ठीक है जी। ये मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो ये यहाँ पे, इस पे जाते हुए आपने इमेज साइज यहाँ पे देख लेना है और उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे ये उसकी विड्थ और हाइट आ रही है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसकी जो है वो इसको यहाँ से पिक्सल में कर लेना है। पिक्सल में करने के बाद आप लोगों ने इसकी विड्थ जो है वो यही रखनी है, और इसकी जो हाइट है वो आप लोगों ने क्या करना है कि 6 जो उसमें मेंशन है वो आप लोगों ने कर लेनी है। तो हमारे पास इसकी जो विड्थ हमने रखी है वो 1200 रखी है, और हाइट जो है वो 630 रखी है, और इसकी रेजोल्यूशन अगेन आपने क्या करना है कि जी वो 72 रखी है, और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये आपकी पोस्ट कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है इसको थोड़ा सा जूम करना है, जूम करने के बाद हैंड टूल को यूज करते हैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आप लोगों ने अगेन जो है वो स्निपिंग टूल यूज करना है। स्निपिंग टूल यूज करते हुए आप लोगों ने इस वाले पोर्शन का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये वाला पोर्शन स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोगों ने इसको भी कॉपी करते हुए अपनी जो फाइल है उसमें जाके आप लोगों ने पेस्ट कर लेना है यहाँ पे, और फिर इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आप लोगों ने ये अब जो एडजस्टमेंट की है उसका जो लेयर पैनल है उसकी भी आप लोगों ने एक स्क्रीनशॉट बना लेना है,
कि मैं न्यू पे क्लिक करते हुए इसका भी एक स्क्रीनशॉट बना लेता हूँ, जो कि ये वाला मेरे पास क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है जी। तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने इसको अपनी वर्ड फाइल में जाना है और यहाँ पे आके आप लोगों ने इसको भी पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद याद रखिएगा कि आप लोगों ने इन सबको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपने ही LMS में जाते हुए अपनी हैंड ऑन एक्सरसाइज को जो है वो वहां पे सबमिट करवा देना है। तो ये थी हमारी आज की हैंड ऑन एक्सरसाइज नंबर 4, जो कि हमने आसानी के साथ एक पोस्ट जो है डिजाइन करना सीखा है और उसके बाद उसकी रेजोल्यूशन को चेंज करके उसके डायमेंशन चेंज करके उसको जो है अगेन उसके डायमेंशन चेंज करना सीखे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरी अगेन आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल स्टार्ट टेक को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।